सहिष्णुता तो एजाज आप फैला रहे हैं, आप धमका रहे हैं। पायल रोहतगी जो बात कह रही हैं, मैं उसको एंडोर्स तक नहीं करना चाहती। मैं पायल रोहतगी की बात तक नहीं करना चाहती, लेकिन आप एक औरत के साथ इस तरीके की बातें गोश्त खाते हैं, नल्ली नहारी खाते हैं, गर्मी आती है, ये क्या बताना चाहते हैं आप? क्या समझ रखा है आपने औरतों को? गर्मी क्या वो कह रही है, वो कह रही है कि मुसलमानों के इतने बच्चे क्यों हो रहे, मुसलमान इतने बच्चे कैसे पैदा कर रहे, मुसलमान ये क्या कर रहे, मुसलमान अरे तो वो क्या कर रहे? वो क्या गायनेकोलॉजिस्ट है? वो क्या इजाज गायनेकोलॉजिस्ट है? आपको वो सर्टिफिकेट देंगी? आपको क्या पढ़ी है? और आप इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं, मुझे ये बताइए कितनी आयतें हैं कुरान में, बताइए मुझे। बहुत आप जानकार हैं ना, 56 कंट्रीज में इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन चलाते हैं, कितनी बताइए मुझे, कितनी आयतें हैं कुरान में? और आप कितनी आयत जानती है? आप मेरे से सवाल ये क्यों कर रही हैं? ज्ञान मत दीजिए मुझे, बताइए। अरे मेरे पक्के सच्चे मुसलमान है जान, ज्ञान मत दीजिए। कितनी आयतें हैं कुरान में? ज्ञान मत दीजिए, भटकाइए मत, ज्ञान दीजिए, भटकाइए मत, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे मत बताइए। एजाज खान बताइए, बता के बगैर बताइए, जाइएगा आप बताइए, कौन सी मुसलमान कंट्री में, कौन सी मुसलमान कंट्री में हिंदुओं को अल्लाह के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया मुसलमानों से बच जाए? आयत अभी छोड़िए, मुझे बताइए, ये बोलिए कौन सी मुसलमान की कंट्री में, बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान बनना है, सारे हिंदू काम करते हैं, पूरी दुनिया को मुसलमानों से भर कर रख देना है? इजाज खान मुझे ये बताइए, कुरान अखलाक की बात करता है, सबको बनना ही है एक दिन, कुरान रिश्तों की बात करता है, कुरान धमकाने की बात नहीं करता है, बदतमीजी की बात नहीं करता है, औरतों की बेइज्जती की बात नहीं करता है। कुरान के बारे में आप जानते क्या है? वसू कीजिए और फिर बोलिए आपके मुंह से कुरान। किसी महिला के बारे में इस तरीके की ऊंची बातें शोभा देती है आपको? आप देखिए, क्या महिला, क्या महिला, क्या महिला की आप छोड़ दीजिए, आप सारी महिलाओं को छोड़िए, रूबिका लियाकत के सवाल का जवाब दीजिए, पक्के सच्चे मुसलमान एजाज खान, कितनी आयतें हैं कुरान में और वो कौन सी कुरान की? बोलने दिया जाए, लेकिन सुन लीजिए डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा एक बात क्लियरली सुन लीजिए, आप देश के सैनिकों को हर बार आड़ की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आपसे चूक हुई है, आप शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको, आपसे चूक हुई है, आपकी वजह से इस देश के 40 जवानों को शहादत देनी पड़ी है, आपको इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने किया है, क्यों पाकिस्तान ने किया? पाकिस्तान को रोकना किसका काम है संबित पात्रा, किसका काम है पाकिस्तान को रोकना? मुझे ये बताइए डॉक्टर जी, मिस लियाकत लिसन टू मी फॉर 5 मिनट्स, रूबिका जी नो 5 मिनट्स, यू गिव मी 5 गुड आंसर्स। नायलिया साहब, कब तक किसी का वोट बैंक बने रहेंगे आप? जवान किसान, जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है, रूबिका लियाकत खबरदार, अब बहुत हो गया इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी? इलियास शरफुद्दीन, यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली इलियास शरफुद्दीन, इट्स अ वार्निंग, वरना मुझे पता है कि एक विंडो कम कैसे करनी है और आवाज कैसे कम करनी है। डिबेट की डेमोक्रेसी का नजायज फायदा उठाएंगे तो मैं आपको आउट कर दूंगी, आपको गाली, आई विल आस्क यू टू गेट आउट। इसने एक महिला एंकर को गाली दी, गेट आउट, ये इंसान, गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड गेट आउट, इलियास शरफुद्दीन आई एम आस्किंग यू टू गेट आउट ऑफ माय डिबेट। आप यहाँ बैठकर साधुओं को नंगा बुलाएंगे, यहाँ बैठकर आप एंकर्स को दलाल बुलाएंगे और मैं यहाँ बैठकर आपकी ज्ञान सुनूंगी? विंडो कम की जाए, इलियास शरफुद्दीन नेवर एवर विल आई डिबेट विद यू अंटिल एंड अनलेस यू आर एक वो गाना चल रहा है, क्या वो आम आदमी पार्टी वाले के, क्या कौन सा बीमार हुआ, मगर हुआ बीमार हुआ। हाँ, एक मेरा गाना है, बुरा हाल मुंबई से बोला तनी दादी से बता दिया। अब देखो ये सब ऐसे ही, अब इस टाइम में ऐसा गाना गवाओगे सब कहेंगे अपने लिए गा। संस्कार है कहे, हम ऐसा नहीं बोल सकते हमारा। अच्छा, रिंकिया के पापा छोड़ दी, क्या मार दी तमाचा, तो मैंने किसी का नाम लेके थोड़ी बोला। नाम नहीं लिया तो क्या हुआ? नहीं, हमने कहा दिल्ली के पसंद बटे रिंकिया के पापा, तो रिंकिया के पापा को पसंद कर लिया तो किया ना, बहुत बार किया। ये रिंकिया के पापा थोड़े, हाँ वो रिंकिया के पापा अरविंद केजरीवाल,
हाँ तो उनको पसंद है तभी तो उसको बजा के डांस कर रहे हैं। हाँ। वो जीत रहे तो भी वही गाना बज रहा है तो पसंद तो है ना भाई। रिंकिया के पापा मतलब पसंद पसंद सिर्फ ऑफ कॉफ कैसी है? बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आप ऐसा ऐसा कॉफी पिला के ऐसा सवाल पूछ रहे हो, इससे में सहानुभूति रखिए मेरे साथ। मेरा सवाल सुनिए, सब्र के साथ सवाल सुनिए। वाजपेयी जाते हैं, मिल के आते हैं और पीठ पर छुरा भोंकता है पाकिस्तान, जख्म देता है करगिल का। क्या करेंगे? बार बार वो पीठ पर जख्म देता है, आप कितनी बार बातचीत करेंगे, कितनी बार उससे जख्म? फिर क्या करेंगे? सबक सिखाएंगे। मुझे बताइए सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। मारते जाइए मारते जाएंगे। कौन रोकता है? जब तक सबक नहीं लेंगे तब तक मारते जाएंगे। कौन रोकता है? अगर उनको दोस्ती की भाषा समझ में नहीं आती है फारूक अब्दुल्ला साहब, तो हम बताएंगे दुश्मनी किसे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार ये सारी चीजें नहीं लाती, हमें नहीं इंटरेस्ट है बार बार नए नए कागजात बनाने का, हमारा पूरा जीवन कागज बनाने में। 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई, 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है तब स्वरा भास्कर सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है। आपने बोला ना, बात बोली है कि मैं 15 साल की उम्र से एक्टिविज्म कर रही हूँ। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि 10 साल बाद जब दोबारा एनपीआर हो रहा है, मैम वो इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार की रजीम में भी कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी के आने से हर आम गरीब मुझे ड्राफ्ट बता दीजिए, कागजात नहीं है, ड्राफ्ट कहाँ है एनआरसी का? कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे कहे पूछ रही है? अभी भी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई। आई एम सॉरी टू से, पर कमजोर बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है, आपको अलग से ट्यूशन लेना आप पड़ेगा। मुझे नहीं नहीं, मैं तो प्रोफेसर के सामने बैठी हूँ। वो कमजोर किस चीज से बताइए मुझे, कमजोर किस चीज से? आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं प्रोफेसर वल्लभ, कंफ्यूजन आप पैदा कर रहे हैं। वापिस सुना, वापिस सुनाता हूँ, वापिस सुनाता हूँ। आपके भी नहीं समझ में आया, आपको लगता है भूल हो गई? ना ना ना, आपके भी नहीं समझ में आया तो मेरी भूल हो। आपने मुझे क्या कह रहा हूँ? आप मुझे तर्क संगत तरीके से समझाइए। मैं नहीं समझा पाऊँ तो मेरी भूल होगी प्रोफेसर साहब। सुनिए तो सही, प्रोफेसर साहब भी नहीं समझा पाऊँ तो मेरी भूल साहब। मैं बैक बेंचर जरूर हूँ लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता बहुत तेज है। आपकी एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पकड़ती हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा आप क्लैरिटी से नहीं, आप रुकिए, आपका स्टूडेंट बोल रहा है, सुनिए प्रोफेसर साहब और तरीके से सुनिए। अलग से ट्यूशन लेना आप मुझे नहीं नहीं, मैं तो प्रोफेसर के सामने बैठी हूँ। आप तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ 1970 के डॉक्यूमेंट जो लोग मांगते हैं एनआरसी के लिए, कमजोर बच्चा हूँ वो गलत है, या ना जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से मैं मेरी की डिग्री मांगता हूँ, उनका जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी की 10वीं की डिग्री मांगता हूँ, प्रोफेसर जवाब देते नहीं। कमजोर बच्चे को ये बताइए एनआरसी में कहाँ लिखा है 1970 के फेवर में है कि नहीं है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। आप एक एक लाइन का जवाब तो देने दीजिए ना प्रोफेसर साहब। इन्होंने बोला भाई, बताइए एनआरसी के फेवर में है कि नहीं है, हाँ या ना का जवाब दीजिए ना। एक एक लाइन पे 1970 के डॉक्यूमेंट मांगते लोगों को गुमराह करने से गलत है, गलत है। 1970 से लोगों को परेशान करना गलत है। दूसरा सवाल आप मुझे ये बताइए, दूसरा सवाल, अच्छा एक आपका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दे रही हूँ ना प्रोफेसर साहब। ये 1970 वाला चैप्टर आपके घर पे एक मिनट, मैं झूठ का पर्दाफाश करता हूँ भाई। 1970 वाला चैप्टर कौन लिखा हुआ है? एनआरसी के अंदर लिखा हुआ है, प्रोफेसर साहब एनआरसी कहाँ लागू है? एनआरसी कहाँ लागू है? एनआरसी कहाँ लागू है? एनआरसी का ड्राफ्ट ही नहीं आया और ये एनआरसी में लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा भाई, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? एनआरसी का पूरा मसौदा है, सुनिए। कमजोर कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं समझा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सुन लीजिए प्रोफेसर, तो आएगा ही टीचर को कमजोर बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है, टीचर को कमजोर बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है, तो टीचर को आएगा ही पसीना। मैं बताती हूँ आपको, पढ़ाना है तो राहुल गांधी को पढ़ाइए, पढ़ाए हम आपको, पढ़ाना है आपको, कंफ्यूजन आपको है ना, कंफ्यूजन आपका है ना, पढ़ाइए उनको, क्लैरिटी दूर करने की कंफ्यूजन आपका है। रूबिका जी कंफ्यूजन आपका है, मैं आपको बार बार डेट भी बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी बता रहा हूँ। क्या बीती होगी? उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था, सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया।
आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती। इस मुल्क में वो जब जाती है तो उसे क्यों डर लगता है कि आंखें नोच लेंगी, क्यों? कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे? और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे, महिलाओं के लिए कितने दिनों तक आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं? साल की लड़की की बात पर हम मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं। दिक्कत यह है कि गाइड बुक पढ़ के लोग अधिकारी बन जाते हैं, मगर न्यूज चैनलों ने दिन रात गद्दार पाकिस्तानी बताते बताते लोगों का ये हाल कर दिया है कि बेंगलुरु की इस सभा में 19 साल की लड़की ने पाकिस्तान को जिंदाबाद क्या कहा, आप मंच पर देखिए कैसे घबराहट मच गई। ऐसा लगा कि धरती फट जाएगी। अमूल्य, लियोना, नरोना को कोई खींचने लगा तो कोई माइक छीनने लगा। उन्हें भी अपना डर हो गया कि वो सब गिरफ्तार हो जाएंगे। वो लड़की अपनी पूरी बात नहीं कर सकी। अमूल्य ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, 3 बार पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर 6 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन कोई अफसर तुरंत सक्रिय हो जाता है, उस पर भी इस राजनीति और मीडिया के बनाए दबाव का असर होता है। वरना ऐसे अफसरों के दफ्तरों के आगे गरीब लोग दिन रात चक्कर लगाते रहते।